हम बाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। और अगर आपने 8वीं, 10वीं या फिर 12वीं की परीक्षा पास कर ली है और आप कंफ्यूज हैं कि आपको आगे भविष्य में क्या करना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको एडमिशन आईटीआई में मिले, तो उसको लेकर आपकी सभी तरह की कंफ्यूजन जो है वो अब आईटीआई में ही दूर होगी। क्योंकि देखने में आया है कि 8वीं, 10वीं या फिर 12वीं के बाद जब आईटीआई में एडमिशन चाहिए होता है तो स्टूडेंट्स जो है वो काफी कंफ्यूज रहते हैं ट्रेड के चुनाव को लेकर। और ट्रेड जब चुननी होती है तो स्टूडेंट्स भागते हैं साइबर कैफे की तरफ, और साइबर कैफे की अगर हम बात करें तो वहां पर सामने वाले व्यक्ति को जो ट्रेड अपने हिसाब से समझ आती है या जो इजीली अवेलेबल होती है तो वो छात्र के लिए वहां पर चूज कर दी जाती है, जिसका कहीं ना कहीं छात्रों को खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन इस वक्त तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि अब छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए, उनकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और ट्रेड्स की सिलेक्शन के लिए, ताकि वो ईजी हो सके, ताकि वो सरल हो सके और किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो सके, उसके लिए यहाँ पर ये जो सेंटर है वो स्थापित कर दिया गया है। और आपको दिखा रहे हैं कि ये हेल्प डेस्क जो है वो सरकारी जो अंबाला की आईटीआई है उसमें लगाया गया है। एक अच्छा पूरी तरह से सेटअप जो है वो यहाँ पर लगाया गया है, और प्रिंसिपल साहब जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि आखिर किस तरह सर हेल्प डेस्क लगाया है, क्या कुछ वर्किंग रहेगी। हेल्प डेस्क तो हर वर्ष लगाया जाता है। हेल्प डेस्क का मेन उद्देश्य ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हमारे साइबर कैफे में जाकर या इधर उधर धक्के खाते हैं, और साइबर कैफे वाला सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो स्टूडेंट के हिसाब से काउंसलिंग करने की बजाय अपने हिसाब से काउंसलिंग कर देता है, तो बाद में स्टूडेंट बोलता है जो उसको ट्रेड अलॉट होती है ऑनलाइन, मैंने तो लेनी नहीं थी। तो उस तरह के कन्फ्यूजन्स जो हैं, और बच्चों का जो मॉनिटरी नुकसान ना हो, वो 100-200 रुपये लेके भी काउंसलिंग करते हैं, तो कई तरह की गलतियाँ आती हैं, कई तरह की पेचीदगियाँ का सामना करना पड़ता है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और स्टूडेंट्स को फैसिलेट करने के लिए ये हेल्प डेस्क की स्थापना की जाए, और हमें पूरी उम्मीद है इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और एक ही छत के अंदर एडमिशन की सुविधा के साथ साथ आईटीआई में चल रही ट्रेडें और दूसरे उनके जो बाजार मांग है उसके बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी। कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहेगा और क्या सभी बच्चों के लिए ओपन है, और फीस क्या रखी है? कोई फीस नहीं है इसकी, 9 से 5 प्रतिदिन खुला रहेगा। शनिवार को भी हेल्प डेस्क वर्किंग में रहेगा सर, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको संडे को भी खोलेंगे। सर यहाँ पर जो आपका स्टाफ ड्यूटी देगा या पुराने स्टूडेंट्स ड्यूटी देंगे, कितने और सिस्टम लगाए गए हैं? इसमें लगभग 100 सिस्टम लगाए गए हैं, और ये मिला जुला प्रयास रहेगा, इसमें स्टूडेंट्स भी शामिल रहेंगे और स्टाफ भी शामिल रहेगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा सेटअप जो है हेल्प डेस्क का यहाँ पर तैयार किया गया है, ताकि स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की आईटीआई में एडमिशन से संबंधित परेशानी ना झेलनी पड़े। और काफ़ी संख्या में, काफ़ी अच्छी तादाद में जो सिस्टम्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और प्रिंसिपल साहब का साफ यही कहना है कि जब भी छात्र जो हैं वो एडमिशन के लिए कहीं जाते हैं, आईटीआई में अगर एडमिशन चाहिए होता है, तो छात्रों को काफ़ी कन्फ्यूजन का, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ट्रेड की सिलेक्शन को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी समस्याएँ छात्रों को पेश ना आए उसके इलाज के लिए ये सॉल्यूशन जो है वो ढूंढा गया है। और बड़ी बात यह है कि ये जो हेल्प डेस्क बनाया गया है ये रोजाना सुबह से लेकर शाम तक खुला रहेगा, पूरी तरह से निशुल्क रखा गया है, और यहाँ पर कोई भी बच्चा आकर एडमिशन ले सकता है, एडमिशन का प्रोसेस जो है वो पूरा कर सकता है। तो आगे की अम्बाला की तमाम खबरों के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, और अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। और अगर आपने 8वीं, 10वीं या फिर 12वीं की परीक्षा पास कर ली है और आप कंफ्यूज हैं कि आपको आगे भविष्य में क्या करना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको एडमिशन आईटीआई में मिले, तो उसको लेकर आपकी सभी तरह की कंफ्यूजन जो है वो अब आईटीआई में ही दूर होगी। क्योंकि देखने में आया है कि 8वीं, 10वीं या फिर 12वीं के बाद जब आईटीआई में एडमिशन चाहिए होता है तो स्टूडेंट्स जो है वो काफी कंफ्यूज रहते हैं ट्रेड के चुनाव को लेकर। और ट्रेड जब चुननी होती है तो स्टूडेंट्स भागते हैं साइबर कैफे की तरफ, और साइबर कैफे की अगर हम बात करें तो वहां पर सामने वाले व्यक्ति को जो ट्रेड अपने हिसाब से समझ आती है या जो इजीली अवेलेबल होती है तो वो छात्र के लिए वहां पर चूज कर दी जाती है, जिसका कहीं ना कहीं छात्रों को खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन इस वक्त तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि अब छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए, उनकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और ट्रेड्स की सिलेक्शन के लिए, ताकि वो ईजी हो सके, ताकि वो सरल हो सके और किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो सके, उसके लिए यहाँ पर ये जो सेंटर है वो स्थापित कर दिया गया है। और आपको दिखा रहे हैं कि ये हेल्प डेस्क जो है वो सरकारी जो अंबाला की आईटीआई है उसमें लगाया गया है। एक अच्छा पूरी तरह से सेटअप जो है वो यहाँ पर लगाया गया है, और प्रिंसिपल साहब जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि आखिर किस तरह सर हेल्प डेस्क लगाया है, क्या कुछ वर्किंग रहेगी। हेल्प डेस्क तो हर वर्ष लगाया जाता है। हेल्प डेस्क का मेन उद्देश्य ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हमारे साइबर कैफे में जाकर या इधर उधर धक्के खाते हैं, और साइबर कैफे वाला सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो स्टूडेंट के हिसाब से काउंसलिंग करने की बजाय अपने हिसाब से काउंसलिंग कर देता है, तो बाद में स्टूडेंट बोलता है जो उसको ट्रेड अलॉट होती है ऑनलाइन, मैंने तो लेनी नहीं थी।
तो उस तरह के कन्फ्यूजन्स जो हैं और बच्चों का जो मॉनिटरी नुकसान ना हो, वो 100-200 रुपये लेके भी काउंसलिंग करते हैं, तो कई तरह की गलतियां आती हैं, कई तरह की पेचीदगियां का सामना करना पड़ता है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और स्टूडेंट्स को फैसिलेट करने के लिए ये हेल्प डेस्क की स्थापना की जाई है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और एक ही छत के अंदर एडमिशन की सुविधा के साथ साथ आईटीआई में चल रही ट्रेडें और दूसरे उनके जो बाजार मांग है उसके बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी। कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहेगा और क्या सभी बच्चों के लिए ओपन है और फीस क्या रखी गई? कोई फीस नहीं है इसकी, 9 से 5 प्रतिदिन खुला रहेगा। शनिवार को भी हेल्प डेस्क वर्किंग में रहेगा सर, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको संडे को भी खोलेंगे। सर यहाँ पर जो आपका स्टाफ ड्यूटी देगा या पुराने स्टूडेंट्स ड्यूटी देंगे, कितने और सिस्टम लगाए गए हैं? इसमें लगभग 100 सिस्टम लगाए गए हैं और ये मिला जुला प्रयास रहेगा, इसमें स्टूडेंट्स भी शामिल रहेंगे और स्टाफ भी शामिल रहेगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा सेटअप जो है हेल्प डेस्क का यहाँ पर तैयार किया गया है ताकि स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की आईटीआई में एडमिशन से संबंधित परेशानी ना झेलनी पड़े। और काफ़ी संख्या में, काफ़ी अच्छी तादाद में जो सिस्टम्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और प्रिंसिपल साहब का साफ यही कहना है कि जब भी छात्र जो हैं वो एडमिशन के लिए कहीं जाते हैं, आईटीआई में अगर एडमिशन चाहिए होता है, तो छात्रों को काफ़ी कन्फ्यूजन का, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ट्रेड की सिलेक्शन को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी समस्याएं छात्रों को पेश ना आए उसके इलाज के लिए ये सॉल्यूशन जो है वो ढूंढा गया है। और बड़ी बात यह है कि ये जो हेल्प डेस्क बनाया गया है ये रोजाना सुबह से लेकर शाम तक खुला रहेगा, पूरी तरह से निशुल्क रखा गया है और यहाँ पर कोई भी बच्चा आकर एडमिशन ले सकता है, एडमिशन का प्रोसेस जो है वो पूरा कर सकता है। तो आगे की अम्बाला की तमाम खबरों के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए और अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। नमस्कार।